दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसको शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके से जो डेली वीडियोज है वो मिलती रहती है। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो की आती है बेसिकली भोपाल डिवीजन से लेकर। भोपाल डिवीजन ने अभी भी रिकॉर्ड बना दिया है। पिछली साल अक्टूबर 2019 में जो उनके माल से इनकम थी वो 43.62 करोड़ के आसपास थी, लेकिन उसको उन्होंने और ज्यादा इंक्रीज किया है और इस बार उनके जो एफर्ट्स थे वो इतने अच्छे थे जिसकी वजह से जो उनके इनकम थी वो पहुंच चुकी है इस बार अक्टूबर 2020 में 95 करोड़ के आसपास। तो 95 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा आई है, लगभग 95.62 करोड़ रुपीज़ के आसपास आई है, और जो जबकि पिछली बार थी वो 43.90 के आसपास थी। तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब डबल से भी ज़्यादा जो प्रोग्रेस है वो हुई है इनकम में, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है साउथ ईस्टर्न रेलवे से लेकर। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने 14 और सर्विस को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो अब यहाँ पर आपको और भी जो लोकल ट्रेन है वो देखने को मिल जाएंगी। हालांकि हम सब जानते हैं जब से यहाँ पर लोकल ट्रेनें चली हैं तब से यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग यहाँ पर एकदम से ट्रैवल करने लग गए हैं, क्योंकि किसी तरीके की बाउंडेशन है नहीं तो ईजिली सब लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो भीड़ है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है कर्नाटका से लेकर। कर्नाटका से बेसिकली जो 7 ट्रैक गुजरते हैं, इन पर भी रिसेंटली जो स्पीड अप है वो किया गया है, तो आपको डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों बाद में यहाँ पर जो ट्रेनों की स्पीड है वो अच्छी देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये 7 रूट कौन कौन से हैं वो मैंने सभी लिख दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर जरूर से चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप इन सेक्शनों पर अब जब भी ट्रैवल करेंगे तो आपको अभी कुछ ही दिनों बाद में यहाँ पर जो ट्रेनों की स्पीड है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके चलते आपको जो समय है वो बच पाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। यहाँ पर आप 110 यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन को ही लेकर। बेसिकली नंदन कानन जो कि नीलांचल के नाम से भी जानी जाती है, पुरी और आनंद विहार टर्मिनल के बीच में ऑपरेट होती है। तो ये जो ट्रेन है अभी आपको कानपुर सेंट्रल पर कैंसिल देखने को मिल जाएगी। ये ट्रेन 15 जनवरी तक कैंसिल रहने वाली है, तो 15 जनवरी तक ये कानपुर सेंट्रल नहीं जाएगी, क्योंकि जो ट्रेन है ये जाने वाली गोविंदपुरी, तो गोविंदपुरी के रास्ते ऑपरेट होगी, तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप इस ट्रेन का जो लाभ है वो ले रहे थे तो डेफिनेटली अभी आपको नहीं मिलेगा 15 नवंबर तक। तो ये जो अपडेट है, सॉरी 15 जनवरी 2021 तक आपको इस चीज का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, तो आप इस बात का जो ध्यान है वो रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इस ट्रेन की कनेक्टिविटी पूरी तक की अभी मिल रही हो, आप यूज कर रहे हो, तो अभी आपको किसी दूसरी ट्रेन पर शिफ्ट होना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है IRCTC तेजस को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं IRCTC अभी 2 तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है, जिसमें पहली लखनऊ वाली है जो कि बेसिकली लखनऊ और न्यू दिल्ली के बीच में ऑपरेट होती है, और इसी तरीके से जो उसकी दूसरी तेजस है वो अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच में ऑपरेट होती है। तो फिलहाल ये जो दोनों तेजस हैं आपको देखने को मिलेंगी कुछ कुछ टाइम कैंसिल, क्योंकि जो लखनऊ तेजस है वो 23 नवंबर से पूरी तरीके से कैंसिल कर दी जाएगी, और कब चलाई जाएगी इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। 23 नवंबर इसका लास्ट रन रहने वाला है, उसके बाद में ये आपको कैंसिल देखने को मिल जाएगी। और इसी तरीके से जो अहमदाबाद वाली तेजस है उसके भी कुछ कुछ दिन कैंसिल किए गए हैं, सबकी जो जानकारी है वो मैंने लिखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं जो अहमदाबाद तेजस है वो किस किस दिन कैंसिल रहने वाली है। हालांकि जो कैंसिल होने का कारण है वो जाहिर सी बात है पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं, तो यही बताया गया है कि जो पैसेंजर्स है वो नहीं मिल रहे हैं, ट्रेन को चलाने में ज़्यादा कॉस्ट आ रही है और इनकम हो नहीं रही है, जिस वजह से जो ट्रेन को कैंसिल है वो करना पड़ रहा है। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है दोनों ही IRCTC तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर, अब आपको दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कैंसिल देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है गुड्स ट्रेन को ही लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं जो पंजाब है वहाँ पर अभी भी जो किसानों का आंदोलन है वो चल रहा है, तो अभी यहाँ पर जो गुड्स ट्रेन है वो ऑपरेट नहीं हो पाई है, फिर से जो गुड्स ट्रेन है वो यहाँ पर रोक दी गई है, जिसकी वजह से रेलवे ने यहाँ पर फिर से जो अपनी गुड्स ट्रेन है वो कैंसिल कर दी है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको पिछले अपडेटों में बताया था कि यहाँ पर अभी रेलवे और जो पंजाब स्टेट की गवर्नमेंट है उनके बीच में बातचीत हुई थी, और तभी रेलवे ने भी कहा था कि जब आप जो ट्रैक है वो बिल्कुल बढ़िया करके खाली करा देंगे तभी हम अपनी जो सर्विस है वो शुरू करेंगे, लेकिन उनके तरफ से शायद ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट मिला होगा कि अब आप ला सकते हैं अपनी मालगाड़ी को, तो वो लेके गए होंगे, बट फिलहाल फिर से जो ट्रेनें हैं वो कैंसिल हुई हैं, क्योंकि जो रास्ता था वो फिर से रोक दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है छठ पूजा को लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं जो छठ पूजा है वो आ रही है, और आई थिंक 20 नवंबर को छठ पूजा का शुभारंभ हो जाएगा ऐसा कुछ पता लगा है मुझे, इसके बारे में खैर कन्फर्म नहीं है, शायद 19 नवंबर या 20
नंबर इनमें से कुछ एक डेट है, तो उसी के चलते ट्रेनों में जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं, पहली बात तो यही है कि अपने आप को मतलब थोड़ा सा सुरक्षित रखें, क्योंकि इस समय ट्रैवल करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। और मैं जिस तरीके से इमेज आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके के हालात है ट्रेनों में। तो जो गाइडलाइन है कोविड की, वो हम सब जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है, जिसके चलते जो संक्रमण है वो ना फैले। बट अभी ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो अभी आपकी जो सेफ्टी वो आपके हाथों में ही है। रेलवे इस समय कुछ नहीं कर पा रहा है, तो यही बताना था मुझे, क्योंकि इस समय छठ पूजा है तो ज़्यादा ही भीड़ हमें देखने को मिल रही है, जिसके चलते हो सकता है आपको जो परेशानी है वो आए। तो थोड़ा सा आप ध्यान से ट्रैवल कीजिएगा, जिससे कि चलते आपकी जो जर्नी है वो एकदम सुरक्षित रहे और आप इजीली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है बरेली से लेकर। बात कुछ ऐसी है कि एक ट्रेन में कुछ लोग सफ़र कर रहे थे, तो उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। अब क्या होता है कि उनको अचानक से जो मिल्क यानी कि दूध जिसे हम बोलते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, बट उनको मुरादाबाद पर नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो वो फिलहाल तुरंत ही जो कंप्लेंट है, मतलब एक किस्म से आस्क करते हैं, हेल्प मांगते हैं, और हेल्प जब उन्होंने मांगी तो उनको अच्छी बात है कि हेल्प भी एकदम समय पर मिल गई और उनको बरेली में जो दूध था वो उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आप कभी भी फंसते हैं अपनी यात्रा के दौरान, तो आप भी जो रेलवे के पोर्टल हैं उन पर जाकर जरूर से ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कीजिएगा, या फिर जो रेल मदद एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप जो अपनी हेल्प है वो मांग सकते हैं। हो सकता है आपको एकदम जो हेल्प है वो मिले, बट अगर एकदम भी नहीं मिलती तो आपको थोड़ी देर में जो हेल्प है वो जरूर से मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है कि रेलवे इन चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जिसके चलते जो पैसेंजर्स हैं उनकी जो यात्रा है वो काफ़ी अच्छे से हो पा रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती टाटा नगर से लेकर। टाटा नगर के यार्ड में एक मालगाड़ी है उतर गई। अब मालगाड़ी उतरने का जो कारण है वो बताया जा रहा है कि जो ट्रैक था वो टूट गया, मतलब ट्रैक में क्रैक आ गया, जिसकी वजह से वो गुड्स ट्रेन थी वो पटरी से उतर गई है। तो यहाँ पर जो गुड्स ट्रेन का डिरेलमेंट है वो हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेनों का संचालन था वो हल्का फुल्का बाधित रहा है। तो ये जो अपडेट है फिलहाल निकल कर आती है टाटा नगर रेलवे स्टेशन के यार्ड से लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है धनबाद और आसनसोल के बीच में ऑपरेट होने वाली पैसेंजर ट्रेनों को लेकर। यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं वो आपको और जल्द ही देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अभी तो हम सब जानते हैं जो पैसेंजर ट्रेनें वो कैंसिल चल रही हैं। तो अभी पैसेंजर ट्रेनों का जो प्रपोजल है वो तो भेज दिया गया है। अब हो सकता है मंजूरी मिलने के बाद में आपको 1 दिसंबर 2020 से यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेन है वो देखने को मिल जाए। हालांकि कौन कौन सी पैसेंजर ट्रेनों का प्रपोजल भेजा गया है वो मैंने लिख दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके जरूर से पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है कि आपको जल्द ही यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेनों की कनेक्टिविटी है वो मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, राय बरेली और ऊंचाहार रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो चल रहा है। तो अभी अपडेट ये निकल कर आती है कि ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपको दिसंबर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो इंस्पेक्शन वगैरह है वो भी ले लिए जाएंगे, यानी कि दिसंबर एंड तक यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक ट्रेनों का जो संचालन है वो होता हुआ दिख सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट होगा। बाकी देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, बट जो काम है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसके चलते अनुमान यही लगाया गया कि दिसंबर तक आपको यहाँ पर यानी दिसंबर के लास्ट तक यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है नंदगंज और तराव रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर जो डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर CRS इंस्पेक्शन लिए गए और ये जो इंस्पेक्शन है वो पहली नज़र में एकदम सही पाए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं यहाँ पर कब जो अप्रूवल है वो मिलता है। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा यहाँ पर जो डबलिंग पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का जो संचालन है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है इस सेक्शन को भी लेकर कि यहाँ पर जो लोड है वो कम हो जाएगा जब डबलिंग हो जाएगी, और मतलब लोड तो उतना ही रहेगा बट थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर लगेगा नहीं कि लोड बहुत ज़्यादा है, और साथ ही इलेक्ट्रिक होने के बाद में तो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो ही जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लेकर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग रूम है उसको खोल दिया गया है। तो आप जाकर जो वेटिंग हॉल है उसमें वेटिंग हॉल में जाकर आराम से आप यहाँ पर जो वेट है वो कर सकते हैं अपनी ट्रेन का। तो काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है, अगर आप गोरखपुर से ट्रेन पकड़ेंगे तो आपको इस चीज़ का जो फायदा है वो मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करता थी फैजुल्लापुर रेलवे स्टेशन के पास से लेकर। अब घटना कुछ ऐसी कि यहाँ पर एक जो गुड्स ट्रेन थी वो जा रही थी, अभी जो मालगाड़ी थी ये थी कोयले वाली, तो कोयले वाली जो ट्रेन थी वो जा रही थी। अब होता क्या है कि जो कोयला है उसमें फ्रिक्शन बनता है, जिसके चलते वहाँ पर जो धुआं है वो निकलने लगता है, जो गार्ड होते हैं उनकी जो नज़र है वो पड़ जाती है, जिसके चलते तुरंत ही वो इसकी जो जानकारी है वो देते हैं। ट्रेन को फैजुल्लापुर रेलवे स्टेशन की जो लूप लाइन है उस पर लिया जाता है, जिसके बाद में जो आग है वो बुझाई जाती है। आग बुझाने में टाइम तो लगता है, बट अच्छी बात है कि
टाइम से आग को बुझा लिया गया, जिसके चलते कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है। हालांकि इसकी वजह से जो सेक्शन है हावड़ा वाला, दिल्ली हावड़ा वाला जो सेक्शन है वो बाधित रहा है। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है, कुछ ट्रेनें इसकी वजह से जो डिले है वो हुई है। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है वाराणसी रेलवे स्टेशन से लेकर, वाराणसी रेलवे स्टेशन पर जल्द ही आपको जो प्रीमियम लाउंज है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेजी से चल रही हैं। जल्दी इसका जो काम है वो आपको ऑन ग्राउंड देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी कोई निश्चित डेट तो नहीं बताई गई है कि किस दिन से काम शुरू होगा या कब तक आपको देखने को मिलेगा, बट ये अच्छी बात है कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो शुरुआती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।